वर्स्ट मूवी एवर इन माई लाइफ, फॉर अ टॉर्चर, एकदम सर दर्द थी, बहुत बेकार, मतलब कुछ भी नहीं है पिक्चर में, पिक्चर कुछ तरह के मतलब जैसे कि रोहित शेट्टी ने गोलमाल अगेन बनाई थी। हॉरर कॉमेडी मूवी का कोई होता है तरीका होता है बनाने का ना, इसका कोई स्टोरी बन रहा हमसे, ना कोई स्क्रीन प्ले, ना कोई क्या बोले सर, इट्स अ टोटल लॉस। मेरे लाइफ में सबसे फ्लॉप मूवी, मतलब फोन बूथ माँ की, समझ जाओ मैं बोल नहीं सकता, इट्स एडल्ट। अरे काय की बूथ बनी है, कुछ भी नहीं है सर, पिक्चर वर्स्ट है, कास्ट, सिनेमेटोग्राफी, कुछ भी, मतलब एक चीज़ का तारीफ करें या कुछ ऐसा सॉन्ग या नथिंग, एवरीथिंग इज मतलब सब पिक्चर पूरी फ्लॉप है, बहुत डिजास्टर। 2022 की लगता है बेटा तो पागल हो गया, हीरो नंबर 2 में बाप इसमें पागल हो गया, भूतनाथ में लगता है पूरा फैमिली पागल हो गया है, जैकी श्रॉफ भी पागल हो गया, टाइगर श्रॉफ भी पागल हो गया। वर्स्ट मूवी, गुरमीत सिंह को तो निकल के बाहर निकल के मारना चाहिए साले को, डायरेक्टर के नाम पे कोई वर्डिंग नहीं है उसका, सारा बास्टर्ड। उन लोगों को तो मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि कोई कैडबरी का ऐड चल रहा है करके, वो ऐड में वो लोग दोनों अच्छे लगेंगे, उनको मूवी में लेने लायक नहीं है, एकदम वर्स्ट मूवी है, बहुत बेकार है। हाँ मूवमेंट क्या आएगा, मेरे हाथ में दे दो तो मर्डर कर दूंगा तीनों का, और गुरमीत सिंह का भी मर्डर कर दूंगा, और वो तो पूरा पागल हो गया। एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर और सिद्धार्थ देसाई, जिन्होंने दिल चाहता है, क्या क्या मूवीज डायरेक्ट किए, आई कांट मतलब आई मीन शॉक्ड, सच अ बिग प्रोड्यूसर, एक्सेल एंटरटेनमेंट, बोले तो फरहान अख्तर और अपना ये सिद्धार्थ देसाई, जिसने दिल चाहता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चर गया कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सच अ बिग बिग मूवी, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, फरहान अख्तर बाग भी का बाग क्या है, आई कांट एक्सपेक्ट, मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस स्टोरी एंड एवरीथिंग। यस सर, सवा दो घंटा, मतलब मैं सोच रहा था मेरी लास्ट बार आएगी, मेरे टॉर्चर हो गया था, मेरे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा मुझे, इतनी सडनली पिक्चर मेरे लाइफ में नहीं देखी ना मुझे उसका, मैं मतलब इंटरवल तक तो कैसे कैसे पहुंचा है, और इंटरवल गया तो मैं सो गया मस्त, और याद में मुझे बाजू वाले उठाया, बोला भाई पिक्चर खलास हो गई है, चल अभी कटिंग वटिंग मार रहे थे करके। अरे पब्लिक देखने आने वाली है, आएगी नहीं, पोस्टर भी नहीं देखेगी, अंदर थिएटर में पैर भी नहीं लगेगी, ये पिक्चर को निकाल दो, उसके बाद कंतरा वंतरा लगा दो, गेटी वाले मैनेजर का भी थिएटर चल जाएगा, नहीं तो भी रोड पे आ जाए। पिक्चर में दम नहीं है सर, कुछ पसंद नहीं, ना गाने, गाना एक गाना अच्छा है, एक्टिंग तो कुछ है ही नहीं, मतलब कैसा ओवर एक्टिंग। नहीं नहीं, कोई कैटरीना कैफ का पिक्चर भी पहली बार देखा पिक्चर, वो कौन सा पिक्चर आया था ना, वो अक्षय कुमार के साथ पिक्चर, वैसे पिक्चर फ्लॉप, एकदम एकदम फ्लॉप, पिक्चर नहीं चलेगा। पैसा दिया है 130 रुपए, एक तो मेरे बाजू में सो रहा था डेढ़, पूरा पिक्चर में एक तो पूरा पिक्चर निकला है फुल, अभी आ ही रहा होगा, पीछे ही होगा, माँ पका हुआ है, बंडल वाज पिक्चर है क्या भाई, पैसा ही नहीं सूल हुआ, पका हुआ एकदम, कुछ भी पसंद नहीं, स्टोरी नहीं है मेरे दोस्त, क्या बोलूंगा, फोन बुल बुल क्या स्टोरी है, कुछ भी नहीं, खाली पका हुआ इधर उधर कर लेकर बनाया है पूरी पिक्चर, एक्टिंग के बारे में क्या कहोगे, कुछ भी नहीं, पका हो ना एक्सपीरियंस ना कुछ नहीं, ना थोड़ा बहुत कॉमेडी हो भी एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं, आधे में सो रहा था मेरे दोस्त आके क्या बोलूँ, शुरू में आधे घंटे देखा, फिर आराम किया, फिर इंटर हुआ, फिर थोड़ा आराम किया, देखा अब 140 दिया हूँ तो बैठना तो पड़ेगा इसी में ना। कुछ भी नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, मेहनत तो किया है, बाकी कोई दम नहीं है पिक्चर में, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। कुछ एक्टिंग ढंग की है क्या उसके भाई, फिल्म का तो फोन बूथ हॉरर और कॉमेडी जैसे लिखा था, एडवर्टाइज जैसे किया था, हम तो वही सोच के आए थे फिल्म के लिए, लेकिन फिल्म के अंदर देखा जाए तो उतने हॉरर भी नहीं बताए और उतनी कॉमेडी भी नहीं बताया, जैसे भूल भुलैया में एक बनाई थी, अभी फिल्म आई थी, जैसे उसके कॉमेडी भी था और हॉरर भी थी, और एक ऐसे हॉरर की फिल्में बनाना चाहिए कि हॉरर मतलब एक दो शॉट ऐसे बेहतरीन देना चाहिए कि आप पब्लिक डर जाए, हालांकि इसमें ऐसे कोई भी एक शॉट नहीं है कि जो डरे आदमी, लेकिन एक लाइफ We'll be right back.